फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कोहलबर्ग के बारे में, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, उनके सिद्धांत से जुड़ी बातों के बारे में। मैं उससे रिलेटेड एक कहानी भी सुनाऊंगी आपको, और इन्होंने जो 6 अवस्थाएं दी थी वो, और 6 अवस्थाओं को कैसे इन्होंने 3 स्तर विभाजित किया था उनके बारे में भी जानेंगे। तो इतनी जुड़ी बातों को हम इससे जानेंगे जिससे आपके कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो एकदम आसानी से आपको तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब इनका जो पूरा नाम था वो था लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया ही है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो वही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने बेस बना लिया और तब जाके इन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, चलिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिख रहा है, ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है नैतिक। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक को समझने से पहले हम उसमें से एक कीवर्ड निकालते हैं और वही कीवर्ड पे पूरा जो स्टोरी होता है, पूरी जो टॉपिक होती है बेस्ड होती है। अगर हम ये ऐसा करना जान जाए तो हमारे एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है नैतिक, तो हम पहले समझेंगे नैतिकता होती क्या है। पहले हम नैतिकता समझेंगे तब उनके सिद्धांत के बारे में आगे बढ़ेंगे। बिना हम नैतिकता को समझे इनका सिद्धांत हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो नैतिकता क्या होती है आपको, चलिए हम बताते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही गलत की पहचान होने लगती है, ठीक है। हमें समाज में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें नैतिकता से ही पता चलती है। हमें किसी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे किसी से बात करनी चाहिए और क्या बातें हमारी किसी के हृदय को, किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है, या क्या करने से हमें खुशी मिलती है किसी के लिए करने से, किसी के सहयोग करने से, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नैतिकता से ही जुड़ी होती हैं। अगर हम कहें तो नैतिकता क्या है, एक तरह का सामाजिक तत्व होता है, ठीक है, जो हमें बताता है कि क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। और आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, एक बुक आती थी मोरल साइंस की, नैतिक शिक्षा की, ठीक है, तो उसमें कई सारी कहानियाँ दी होती थी और उस कहानियों के लास्ट में दिया रहता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। सिमिलरली वही चीज़ होती है नैतिकता, कि आप किसी चीज़ से, आप किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपको उससे क्या सीख मिलती है, यही होती है नैतिकता। और क्या आप उससे सुधार लाएंगे अपने जीवन में, ये चीज़ें होती हैं नैतिकता, ठीक है। तो काफ़ी कहानियाँ आपने पढ़ी होगी बचपन में जिससे आपको शिक्षा मिलती है, तो वही नैतिकता होती है। उसी नैतिकता को आधार बनाकर इन्होंने बनाया क्या, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो क्लियर हो गया ना, तो जो चीज़ें हमें गलत और सही की पहचान कराती है वही होती है नैतिकता, वही होती है मोरालिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जो सिद्धांत था, इन्होंने 6 अवस्थाओं विभाजित किया था। कितनी अवस्थाएँ, 6 अवस्थाएँ। क्वेश्चन यहीं से अगर निकल जाएगा तो आप कर लेंगे ना, कि 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था और उन्हें सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक का इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल माना है, मतलब ये जो अवस्थाएं हैं इसका अर्थ देख लेते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि कोई भी बच्चा हो इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरेगा, मतलब ये जो अवस्थाएं हैं इनसे प्रत्येक बच्चा जरूर ही गुजरेगा, तभी वो लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा। ये सबके लिए ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और इस क्रम को बदला नहीं जा सकता, मतलब एक प्रॉपर वे में, एक निश्चित क्रम में ये आती हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। ये सारे बच्चों के लिए सेम होती है और सारे बच्चों को इससे क्या होता है, गुजरना होता है। अब ये नैतिकता हमने पढ़ी, नैतिक विकास सिद्धांत, तो जो कोहलबर्ग थे वो अगर अपने किसी भी प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो बच्चों पे करते थे और बच्चों पे वो कहानियों के द्वारा करते थे। उनसे कहानियाँ सुनाते थे और साक्षात्कार लेते थे 20 से 30 बच्चों का, और उस कहानियों को सुनाने के बाद वो कई सारा क्वेश्चन बना देते थे। अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों को आंसर देना होता था। तो चलिए हम एक बार आपको
बता देते हैं कि वो कहानी क्या होती थी, ठीक है। तो एक उनमें से फेमस एक कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इनकी एक कहानी थी जो कि यूरोप की एक महिला पे बेस्ड थी, ठीक है। यूरोप में एक महिला थी, वो मौत के कागार पे थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था, जो दवा थी वो एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी, ठीक है। जिसकी खोज जो थी वही उसी शहर का एक फार्मासिस्ट था, उसने की थी, और वही दवाई की ज़रूरत थी उस महिला को, ठीक है। दवाई बनाने का इतना खर्चा था कि दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना जो ज़्यादा था वो पैसा मांग रहा था। मतलब दवाई इतनी महंगी बनी थी कि अब वो अपने इनकम के लिए अपने जितना दवाई का पैसा लगाया था उससे 10 गुना पैसा वो मांग रहा था, ठीक है। अब उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति का नाम था हाइनज, उन सब के पास गया जिन्हें वो जानता था, क्योंकि पैसे उसे चाहिए थे उस दवा को लेने के लिए। फिर भी उसे कुछ ही पैसे मिले, रिलेटिव जो थे जितने भी थे उस उन रिलेटिव ने उन्हें जितना ही पैसा दिया उसके पास हुए, और वही पैसा लेकर वो उस दवाई वाले के पास गया और बोला कि मुझे ये दवाई दे दो और जितने पैसे बचेंगे और बाद में मैं दे दूंगा। लेकिन वो जो दवाई वाला था, वो फार्मासिस्ट था, उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा दवाई। अब हाइनेज क्या किया, उसे दवाई तो ज़रूरत थी क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो क्या थी, मौत के कागार पे थी। तो उसने क्या किया कि दवाई को लेने के लिए उसने उस दवाई वाले की दुकान तोड़ दी और वहाँ से वो दवाई चुरा कर लेके चला गया। मतलब उसने मारा पीटी की और उस दवाई को वहाँ से चुराई और बिना पैसे दिए बिना कुछ किए उस दवाई को लेके अपनी पत्नी को देने के लिए, पत्नी को बचाने के लिए वो चला गया। अब इसी से कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे कोहलबर्ग ने बच्चों से कि क्या होता। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते। तो वो क्वेश्चन जो थे कि क्या हाइनज को वो दवाई चुरा नहीं चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्या एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई की चोरी करके आए, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के लिए इतने पैसे मांगे, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं। इस तरह के क्वेश्चन सारे उन्होंने बच्चों के सामने रखे, पूछे, ठीक है, बच्चों से साक्षात्कार लेते वक्त पूछे। तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि एक तरह की नैतिक शिक्षा से संबंधित है कि वो कहानी जो थी बच्चों को सुनाई उन्होंने, तो सारे क्वेश्चन भी पूछे। अब बच्चों को अपने दिमाग से आंसर देना चाहिए था कि जो क्या हाइनज जो था वो उसको दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्या चोरी करना गलत है, क्या सही है। तो ऐसी ही कहानियों के द्वारा इन्होंने अपना सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो हमने सुन ली कहानी, पढ़ ली कहानी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। इन्होंने 6 स्टेजेस दिए हैं, इनके 6 स्टेजेस फेमस हैं, लेकिन आते जो हैं वो 3 स्तर आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे 3 स्तर में कन्वर्ट किया। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण जो होते हैं नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्थाओं को, ठीक है, जो दिया उनको उन्होंने क्या किया कि दो दो करके दो उसमें जो 6 अवस्थाएं थी वो 3 भाग में उन्हें डिवाइड करना था, 3 भागों में उन्हें बांटना था, तो उन्होंने दो दो करके 3 स्तर का निर्माण कर दिया, ठीक है, 3 स्तर बना दिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं वो 6 अवस्थाएं कौन सी थी। तो ये आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, सेल्फ इंटरेस्ट और अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो ये थी इनके 6 स्टेजेस। अब इन 6 स्टेजेस को इन्होंने बांट दिया, 3 स्तरों में बांट दिया, ठीक है, जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और आपका जो है उत्तर परंपरागत अवस्था, इस तरह में इन्होंने बांट दिया इसको, ठीक है। तो ये था इनका, कोहलबर्ग का, जो 6 स्टेजेस इन्होंने दिए थे उसके बारे में, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 3 स्तर के रूप में, जब इन्होंने बताया इन दो जो दो दो को लेके इन्होंने सारे 3 स्तरों में इन्होंने फिट कर दिया
उसे रख दिया और तब जाके इनके जो तीन स्तर का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के तीन स्तर हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत अवस्था, जिसको कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको कहते हैं पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है ना, नीचे से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे कि अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी है वो कॉन्वेंशनल स्टेज में है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ये लास्ट स्टेज में है, जिसका नाम है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो अब हम इन, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा पहला जो है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, अब इसमें जैसे संज्ञानात्मक विकास का जो स्तर था, मतलब सिद्धांत था जीन पियाजे का, तो उसमें भी एजेस पूछते थे। तो इनका भी जो जो भी स्तर है उससे संबंधित जो भी एज इन्होंने दिए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो पूर्व परंपरागत जो स्तर है, मतलब प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, उसकी एज इन्होंने बताई 4 से 10 वर्ष। और इन्होंने बचपन से 0 से ही नहीं स्टार्ट किया, 2 से 2 वर्ष इन्होंने नहीं स्टार्ट किया। इनका मानना था कि 4 से 10 वर्ष के बीच ही नैतिकता आती है, तब बच्चे नैतिकता, क्योंकि वो तो शैशवावस्था होती है ना, 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच तक की जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। लेकिन इन्होंने 4 से 10 वर्ष को लिया। ठीक है, जिसमें इन्होंने माना कि नैतिकता बच्चों में आ जाती है। तो इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में क्या होते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कॉन्वेंशनल जो स्तर कही जा सकती है। मतलब जो भी बाहरी परिवेश में घटना घटित होती है, उसके आधार पर जैसे वो सोचता है, तर्क करता है, विचार करता है, तब जाके जो स्टेजेस आती है उसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्तर के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, अब इसी के इसमें इन्होंने 2 चरण दिए थे, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिनेशन, फिर आत्माभिरुचि मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने यही देखा कि मतलब वो जो स्टेजेस 6 स्टेजेस थे, उसी के अंदर जो चीज़ें रखी गई थी उसी को इन्होंने 2-2 करके सारे स्तर में रखा हुआ है। तो पहला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है आत्माभिरुचि। तो ये जो पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज्ञान होता है, बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। मतलब वो किसी काम को करने से मान लेता है, काम को कर लेता है, या अगर उसको डर होता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें ये डांट पड़ेगी और वो काम उसके लिए करना ज़रूरी है, तब हम इसको मान सकते हैं कि वो दंड से क्या कर रहा है, खुद को बचा रहा है। ठीक है, फिर है कि आत्माभिरुचि, सेल्फ इंटरेस्ट होता है बच्चों का, और रिवॉर्ड ओरिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, मतलब खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए, वह रिवॉर्ड पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। जैसे कि अगर किसी कक्षा में, किसी स्कूल में बच्चों से कहा जाता है कि मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, तो बच्चे में क्या होता है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है और बच्चे अपने से, खुद से मतलब बेटर करना चाहते हैं, एक दूसरे से बेटर करना चाहते हैं और उस अवार्ड को, उस रिवॉर्ड को पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके ये 2 चरण हो गए। फिर नेक्स्ट है परंपरागत नैतिक स्तर। इसकी एज इन्होंने बताई थी वो से 10 से 13 वर्ष की एज इन्होंने बताई थी। इस स्तर में क्या होता है कि इस स्तर में बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। मतलब बच्चा जो बड़ा हो जाता है, 10 के बाद के जो बच्चे होते हैं, 10 ईयर के बाद के जो बच्चे होते हैं, वो थोड़े क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपनी, तो इसमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे वो। ठीक है, अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की जो भी आवश्यकता है उनका भी वो ध्यान रखते हैं। इस अवस्था या स्तर में बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। मतलब जो पेरेंट्स कह दें कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो वो बच्चे वो क्या करते हैं, मान लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस स्तर को 2 भाग में इन्होंने बांटा है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिनेशन, और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की गुड बॉय और गुड गर्ल।
ठीक है, ये दो भाग हो गए। अब जो अधिकार संरक्षण अभिमुखता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेशन, इसमें इन्होंने कहा था कि इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है उनके अंतर्गत तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि आपका तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जो 13 वर्ष के ऊपर के बाद होता है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसको कहते हैं हम पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज होता है। इस स्तर में बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक निश्चित स्वीकृत व्यवस्था को अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये बाहरी जो भी उससे जुड़ी जुड़ी चीज़ें हैं, परिवेश से जुड़ी चीज़ें हैं, उन सभी को क्या करता है, वो इम्पोर्टेंस देता है, सब में रुचि लेता है। परिवार हुआ, समाज हुआ, अपने देश के प्रति, सबको वो क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है और सभी रूल रेगुलेशन को वो अपनाना जान जाता है। इसको भी इन्होंने दो चरणों में विभाजित किया था, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिनेशन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिनेशन। ठीक है, तो जो पहला वाला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, वो क्या है कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। ठीक है, वे वही सोचते हैं जो उनके नियमों के आधार पे होता है, क्या गलत है क्या सही है वो जान जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि एक व्यक्ति है अपने बच्चों को जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है या चोरी करना गलत बात है, तो इन चीज़ों के बीच कैसे तालमेल बैठाया जाए, क्या इसमें गलत है क्या सही है, ये सब आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिनेशन। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है यह अवस्था। अब बच्चों का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं या विचार पर किए जाने पर क्या होता है, डिपेंड होता है, और उसी के अनुरूप जो होता है वो बच्चा क्या होता है, व्यवहार करता है। मतलब यूनिवर्सल मतलब मान लेता है, वो सार्वभौमिक मान लेता है उस चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोहलबर्ग से संबंधित जो भी उनके चरण थे, जो भी उनके स्टेजेस थे, जो भी उनसे जुड़ी कहानियाँ थीं, उनको मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं थीं, कौन कौन से स्तर थे, उनसे जुड़ी कहानियाँ क्या थीं और नैतिकता का अर्थ क्या होता है। अगर ये सब आपने जान लिया तो आपके लिए कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कोहलबर्ग से संबंधित सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। थैंक यू सो मच।